न्यूज मैं पुनीता मिश्रा, आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। यूपी में लॉकडाउन के बीच दो सपा नेताओं की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में लॉकडाउन के बीच आपसी रंजिश को लेकर दो सपा नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग में 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। जिला अस्पताल में लोगों का भारी जमावड़ा लगा है। वहीं घटना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। एसपी समेत सभी अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। वारदात से क्षेत्र में सनसनी मची है। जानकारी के मुताबिक परासपट्टी मझवार के संगमपुरवा प्राथमिक विद्यालय में डीसी मनरेगा और एपीओ मनरेगा तरबगंज जापकार धारकों का बयान लेने गए थे। इसी दौरान दो पक्ष में विवाद शुरू हो गया, जिनमें से एक पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की चपेट में आकर सपा नेता देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ लाठी सिंह और गांव के ही कन्हैया पाठक की मौके पर ही मौत हो गई। गोली लगने से विजय कुमार सिंह उर्फ टीटू सिंह समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जहां टीटू सिंह को गले में गोली लगने की वजह से लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों में अतुल सिंह, ब्रजमोहन यादव और एक अन्य शामिल है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद जिला अस्पताल में सपाइयों की भारी भीड़ जुट गई। एसओ ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पूरे घटनाक्रम की डिटेल जुटाई जा रही है। योर रिपोर्ट, प्रदीप तिवारी, गोंडा। पप्पू सिंह परास, क्या मामला हुआ भैया? आज जो हुआ कि हम लोग तो गांव पे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे, उसके बाद पता लगा कि ये जो ये मनरेगा परासपट्टी मझवार में जो मौजूदा प्रधान है, उनके पुत्र अतुल सिंह है, जिला पंचायत सदस्य है, उनकी माता जी प्रधान है, इनके द्वारा जो है आज गांव में मनरेगा श्रमिकों का पैसा सब निकाल लिया गया था। उस पर शिकायत हुई तो जांच टीम यहां से गई थी। प्राइमरी पाठशाला संगमपुरवा है, पूरे संगम, वहां जांच टीम पहुंची थी। प्रधान के और अतुल सिंह पूरे अपनी 2 गाड़ी से वहां पहुंचे हुए थे। इतने में लाठी सिंह, टिंटू सिंह और अपने परिवार के साथ ये लोग पहुंचे। जैसे ये लोग वहां पहुंचे, गाड़ी से उतरे, तुरंत इन लोगों ने उनके ऊपर गोली चला दिया। हम लोग पता चला गाँव में थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे, सबको ऐसे लेके यहाँ अस्पताल आए, जिसमें से दिव्यन प्रताप लाठी सिंह, पुत्र श्री सिंह बहादुर सिंह और कन्हैया पाठक जो उसी गांव के परासपट्टी परिवार के, 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। उनके चचेरे भाई और गांव के 2-3 अन्य लोग जो है अभी घायल हैं। टिंटू सिंह उनके सगे भाई हैं, उनके वो भी गंभीर हैं, उनके गले पे गोली लगी हुई है। यही है, ये कौन गोली चलाया है? ये अतुल सिंह उनके भाई, चाचा के लड़के। कौन वायरल किया यार? क्या वजह थी? अतुल सिंह थे, उनके भाई थे, उनके परिवार के और कई लोग थे, 5-6 लोग उनके परिवार के ही लोग थे जिन्होंने गोली चलाया है। ये लोग जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अतुल सिंह की माता जी प्रधान है, अतुल सिंह जिला पंचायत सदस्य है। किसके खास है अतुल सिंह? अब अतुल सिंह राज्य भारतीय जनता पार्टी में है, किसके खास है ये सब लोग जानते हैं, ये हमें नहीं जानकारी किसकी खास है। 2 की डेथ हुई है और 4 घायल हैं। हाँ, 4 घायल हैं या 5 घायल हैं? 5 घायल हैं भाई, बहुत सारे लोग पहुंच भी नहीं पाए हैं जो घायल हैं। जो दूसरे डेथ किए हैं वो कौन है? एक कन्हैया पाठक है, उसी गाँव के हैं, परासपट्टी परिवार के। गाँव में क्या स्थिति है इस वक्त? अब हम लोग सीधे भाग के यहाँ चले गए। गाँव में क्या है मौके पे हम लोग?